हाय गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। नमस्कार दोस्तों, 2023-24 सेशन में एमबीबीएस करने सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस कंट्री में गए, ठीक है, और आपको कहाँ जाना चाहिए। देखिए, एनएमसी ग्रेजुएट को फुलफिल करने वाली बहुत कम कंट्री है। बहुत सारे कंट्री है जो लाइसेंस नहीं दे रही है, कोई लाइसेंस दे रही है तो पूरा पीजी के बाद दे रही है, और कुछ जगह तो इतना टफ है कि लाइसेंस भी नहीं निकाल सकते। तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है एनएमसी ग्रेजुएट के बाद अब्रॉड से एमबीबीएस करना, ये सबको पता है, ठीक है, और इसमें नो डाउट। लेकिन फिर भी इतने सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये सवाल उठता है। तो हम आपको बता रहे हैं, एक डाटा देखिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ द जितने भी कंट्री है, तो ये गवर्नमेंट के उससे मैंने निकाला और विकिपीडिया पे भी आपको मिल जाएगा। तो एमबीबीएस के अलावा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे जो जाते हैं वो कनाडा में जाते हैं, देन कहाँ जाते हैं, यूएई में, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यूएस का नंबर आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद यूके का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, फिर सऊदी अरबिया, फिर ओमान, फिर जर्मनी, फिर न्यूजीलैंड, देन चाइना। तो ये लिस्ट है एमबीबीएस के अलावा। लेकिन जब एमबीबीएस की बात आती है दोस्तों, तो मैं आप जान के आश्चर्य होंगे कि सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो एक लिस्ट है जो यहाँ गवर्नमेंट के उस पर पड़ा हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। एक सेकेंड, थोड़ा सा देखिए आप, ये जो है, ये मैं आपको जो लिंक है ये दिखाता हूं। अब इंडियन स्टूडेंट जो ये गवर्नमेंट के साइट पे पड़ा हुआ है 2022 का डाटा, वो आपके स्क्रीन पर रहा कि कहाँ क्या, ये एमबीबीएस नहीं वैसे स्टडी करने गए, ठीक है। तो उसके लिस्ट में हमने जो इंडियन गवर्नमेंट ने डाला हुआ है वो मैंने देखा। इसमें और जगह सारे वर्ल्ड में बच्चे जो है पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जब एमबीबीएस की बात करते हैं, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सारा जगह का दिया हुआ है इस लिस्ट में। 79 कंट्री है जिसमें बच्चे पढ़ने गए, 79, और कितने गए वो भी आप यहाँ पे देखिए। 2022 का, 2023 में तो ज्यादा हो चुका है, और यहाँ देख रहे हैं आप, 13,24,954 स्टूडेंट पढ़ने गए थे अब्रॉड। और मैं आपको जो डिटेल बता रहा हूँ, सिर्फ एमबीबीएस की हम बात करते हैं, ये तो सारे की। अब एमबीबीएस में फर्स्ट च्वाइस बच्चों का क्या रहा, तो ये देखेंगे फर्स्ट च्वाइस रशिया रहा। रशिया और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है, और आपको पता है सारे आर्म्स वगैरह जितने ये रशिया से 65% जो है परचेज किया जाता है, और हमारा जो एयरफोर्स और जो भी है ये डिपेंडेंट है रशिया पे, और अभी आयल में भी देख ही रहे आप। सेकेंड नंबर पे जो कंट्री रहा है दोस्तों वो है उज्बेकिस्तान, यहाँ भी बच्चे दबा के गए, और थर्ड नंबर पे कजाकिस्तान रहा है। लेकिन इस साल ये सेकेंड नंबर, देखिए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को दोनों को इक्वल आप मान सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह बच्चे गए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे किर्गिस्तान में बच्चे गए, फिफ्थ नंबर पे बांग्लादेश, सिक्स नंबर पे इजिप्ट, और सेवन नंबर पे नेपाल, एट नंबर पे ताजिकिस्तान, और नाइन नंबर पे चाइना, ठीक है। चाइना में काफी टफ है लाइसेंस लेना, तो ये बच्चे अवॉइड कर रहे हैं आप, ठीक है। बांग्लादेश की बहुत अच्छी पढ़ाई है, और लेकिन यहाँ पे ये है कि जो मतलब एक साल ड्रॉप लिया है वही जा सकते हैं, तो इसलिए बच्चे कम जाते हैं, क्योंकि चार चार पांच पांच ड्रॉप लेने के बाद बच्चे चूज करते हैं। तो सबसे पहले रसिया जो बच्चे गए हैं, तो ये है 2023-24 का। अब 24-25 में भी रसिया नंबर वन रहने वाला है, ठीक है, और एडमिशन चालू है दोस्तों, तो आप फटाफट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई हेल्प चाहिए तो। तो चैनल पे नया आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय।